दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैलेंसी के बारे में। अब बैलेंसी के लिए हमको आवर्त सारणी में जो भी तत्व हैं तो उनका एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए। तो सारे नहीं तो कम से कम 30 तक तो पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, और हीलियम का 2 होता है और लिथियम का 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है, और ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और आर्गन। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, क्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है, आर्गन का 18 है, ठीक है। और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आर्गन। अब ये पोटेशियम का हो गया 19, पोटेशियम और ये कैल्शियम का हो गया 20। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अभी पोटेशियम, कैल्शियम और इसका पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और टाइटेनियम और वेनेडियम और क्रोमियम और मैंगनीज और आयरन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और ये हो गया कोबाल्ट।
कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और जिंक। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, ठीक, कॉपर का 29 और जिंक का 30 एटॉमिक नंबर होता है और इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको देख लेते हैं। ये बताया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक, ये पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन और ये कोबाल्ट और ये निकल और ये कॉपर और ये जिंक। ये बेसिक केमिस्ट्री सीखने के लिए हाइड्रोजन से जिंक तक एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए, ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम और मैंगनीज में जनरली थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका ये 1 से स्टार्ट हुआ है और यहां 30 तक इसका एटॉमिक नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।